बहुत सारे टाइप के डिशेस आप लोगों ने ट्राई करी होगी, लेकिन मेरे तरीके से एक बार इस डिश को ट्राई करके देखें, आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। और इस डिश को बनाने के लिए सिर्फ 5 इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होती है, जो कि सबके घरों में आसानी से अवेलेबल होते हैं। तो मैंने मेजरमेंट के लिए रेगुलर रूटीन वाली कटोरी का यूज़ किया है। आप किसी भी चीज़ से मेजर कर सकते हो। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक कटोरी पोहा लेंगे और पोहे को 2 से 3 पानी क्लीन करके छन्नी पर छान लेंगे और फिर इसे 10 मिनट सॉफ्ट होने के लिए छोड़ देंगे। और जितना पोहा हमने लिया था ठीक उतना ही हम सूजी लेंगे। तो सूजी आप कोई सी भी ले सकते हो, बारीक वाली भी या मोटी वाली, जो भी आपके पास हो। फिर सूजी में फ्रेश दही डालकर मिला लेंगे, और दही आप घर वाला या बाजार वाला जो भी हो यूज कर सकते हो। और अब इसके बाद इसमें हम पोहे को भी ऐड करके अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे और बैटर को मीडियम कंसिस्टेंसी का ही रखेंगे। और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें सॉल्ट भी ऐड करके बैटर को 20 मिनट तक के लिए रख देंगे ताकि सूजी अच्छे से सॉफ्ट हो सके। एक साइड हम चटनी की भी तैयारी कर लेते हैं, जो इसके साथ खाने में बहुत ही अच्छी लगती है। तो चटनी के लिए हम सबसे पहले मूंगफली को ड्राई रोस्ट करके पानी में डाल लेंगे, और इसके बाद चना दाल को भी ड्राई रोस्ट करेंगे, और उसके बाद मूंगफली के साथ ही इसे 10 मिनट के लिए सोख होने देंगे। और साथ ही साथ कुछ सब्जियां भी हम चॉप कर लेंगे। तो मैंने यहाँ प्याज, टमाटर और हरी मिर्च को बारीक कर लिया है। थोड़े से कड़े पत्ते भी लिए हैं, आप अपने पसंद की सब्जियों को इसमें डाल सकते हो। और 10 मिनट के बाद हम मूंगफली, चना दाल, लहसुन, हरी मिर्च, कड़ी पत्ता, नारियल के टुकड़े, स्वाद अनुसार नमक और थोड़ा पानी डालकर चटनी को तैयार कर लेंगे। अब इधर बैटर को भी रखे हुए 20 मिनट हो गया है, तो इसमें अब हम इनो डालकर अच्छे से मिला लेंगे और एक साइड पैन को भी गर्म होने देंगे। जब पैन गर्म हो जाए तो इसे ऑयल या घी से कोट कर लेंगे। फिर पैन में बैटर को डालेंगे और उस पर बारीक कटे सब्जियों को डालकर दोनों साइड से उलट पलट कर अच्छे से सेक लेंगे और इसी तरीके से सभी को बना लेंगे। फिर इसे चटनी के साथ सर्व करें और इंजॉय करें, सभी को बहुत पसंद आएगी। और यह एकदम सॉफ्ट और जालीदार बनती है। बच्चों के लंच में भी हम इसे दे सकते हैं। आप भी इस झटपट बनने वाले रेसिपी को ट्राई ज़रूर करें और इसका फीडबैक मेरे साथ शेयर करें। और हाँ, एक बात ज़रूर मैं कहना चाहूँगी आप लोगों से कि आप लोग वीडियो देखते हो पर सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को शेयर ज़रूर करें अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और इसी तरह की नई रेसिपी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।